children, good morning. Say good morning, ma'am. Good morning, how are you all? Say I am fine, thank you, ma'am. I'm asking again, how are you all? Say I am fine, thank you, ma'am. Very good, children. So children, this is your Saturday activity, all right? Which activity is this? It's your Saturday activity. So today date is 29 May 2021, and the day is Saturday. It means Shanivar, all right? And today I am going to tell you a story. Story means hoti hai choti si kahani, okay? That is a moral story, all right? So ma'am, aaj aapko ek story sunayengi, kahani sunayengi choti si, okay? And the name of this story is Strong and Weak. What is the name? The name of the story is Strong and Weak. All right? Strong means hota hai taakatwar, jo bahut strong hota hai, theek hai? And weak means hota hai kamzor, jo bahut zyada kamzor hota hai, theek hai? Strong means taakatwar and weak means kamzor. To aaj aap ma'am aapko, what is this? It's a tree and it's a herb. Tree means होता है पेड़, herb means होता है जड़ी बूटी या एक तरीके से घास बोल सकते हो, ठीक है? इन दोनों के through मैम आज आपको story narrate करेंगी, all right? Strong and weak. So children, watch carefully and listen carefully. So let's start. Learn with me and with props. All right. Okay, children. Now start the story. All right. Strong and weak. Strong means taakatwar and weak means kamzor. Now start. There was a proud teak tree in the forest. एक समय की बात है. Proud means क्या होता है? घमंडी. ठीक है? घमंडी एक सागौन का tree. Tree means क्या होता है? पेड़. ठीक है? जंगल में एक बार जंगल में सागौन का एक प्राउड मींस घमंडी क्या था? ट्री था, पेड़ था. ऑलराइट, ही वाज टॉल एंड स्ट्रांग. वो पेड़ कैसा था? स्ट्रांग, ठीक है? सॉरी, हाँ, स्ट्रांग, टॉल एंड स्ट्रांग. स्ट्रांग मींस ताकतवर था वो पेड़, और उसके साथ साथ क्या था वो? टॉल. टॉल मींस क्या होता है? लंबा. यस, ठीक है. देयर वाज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री, और उसी के साइड में एक छोटा सा हर्ब मींस क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ हर्ब. हर्ब मींस होता है जड़ी बूटी या घास बोल सकते हो, ठीक है? व्हिच कलर? ग्रीन. एंड ट्री का कलर आल्सो ग्रीन, ठीक है? देयर वाज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री. तो उस ट्री के, उस पेड़ के थोड़े ही दूर पे क्या था? एक हर्ब भी था, छोटा सा हर्ब का मतलब एक घास था उस ट्री के जस्ट थोड़ा सा बगल, ठीक है? नेक्स्ट, द टीक ट्री सेड, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रांग. तो जो वो सागौन का पेड़ था, उसने उस हर्ब से क्या बोला? आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रांग, ठीक है? कि मैं बहुत हैंडसम मींस क्या होता है? सुंदर. और स्ट्रांग मींस ताकतवर, कि मैं बहुत ताकतवर और सुंदर. नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, ठीक है? उस पेड़, उस घमंडी पेड़ को अपने पर बहुत घमंड था, तो उसने उस हर्ब से क्या बोला? कि मैं बहुत ताकतवर और सुंदर हूँ. नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता. घमंडी पेड़ ने किसे कहा? हर्ब से, ठीक है? नेक्स्ट, हियरिंग दिस द हर्ब रिप्लाइड. ये सुनने के बाद, ये लाइन को सुनने के बाद, उस हर्ब ने उस पेड़ से, पेड़ को रिप्लाई दिया, डियर फ्रेंड, टू मच प्राइड इज हार्मफुल. उस हर्ब ने उस ट्री को क्या कहा? उस पेड़ को, घमंडी पेड़ को कहा कि ज्यादा गर्व करना हार्मफुल होता है, नुकसान. हार्मफुल मींस नुकसान होता है. ज्यादा अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. किसने कहा ये? हर्ब ने, इस घमंडी पेड़ से, ठीक है? इवन द स्ट्रांग विल फॉल वन डे. जो ज्यादा घमंड करता है वो भी एक दिन क्या हो जाता है? फॉल मींस गिरना, ठीक है? वो गिरता है. जिसको ज्यादा घमंड होता है अपने पर, वो एक ना एक दिन
गिर जाता है, ठीक है। देन द टिक इग्नोर द हर्ब्स वर्ड्स, ये सब बातें सुन के हर्ब की, जो ट्री था, घमंडी पेड़ था, उसने क्या किया, हर्ब की बातों को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत घमंडी था। ही कंटिन्यू टू प्रेस हिमसेल्फ, वो तब भी उस हर्ब को अपनी प्रशंसा बताने लगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, हैंडसम हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ठीक है। और वो हर्ब को ये सब बताने लगा, तब भी उसको वो अपनी ही तारीफ करने लगा, ठीक है, अपनी तारीफ उस हर्ब को सुनाता रहा। ऑल राइट, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, एक बार की बात है, क्या हुआ, विंड मींस होता है हवा, तेज हवा चली, क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स अ विंड, ठीक है। एक बार की बात है, क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली, ठीक है। द टिक स्टूड फर्मली, ठीक है, तेज हवा चली तो जो वो टिक पेड़ था, सागौन का पेड़ था, वो क्या हुआ, खड़ा रहा, ठीक है। इवन व्हेन इट्स रेन, यहां तक कि जब बारिश भी आई तब भी वो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, ठीक है, तेज हवा चली तभी वो पेड़। इवन व्हेन इट्स रेन द टिक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, ठीक है, यहाँ तक कि बारिश भी हुई तब भी वो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, ठीक है, और उसके पत्ते सारे गिर गए तब भी वो वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, वो झुका नहीं, क्योंकि वो क्या था, बहुत घमंडी था ये ट्री, ठीक है। एट द सेम टाइम द हर्ब बोथ लो, एक ही समय में क्या हुआ, पेड़ तो झुका नहीं बट जो हर्ब था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत, तो इसलिए उसने क्या किया, वो झुक गया, ठीक है, पेड़ तो झुका नहीं, वो झुक गया। द टिक मेड फन ऑफ द हर्ब, ठीक है, तो उस ये सब देखकर जो ये घमंडी पेड़ था, इसने उसके ऊपर मजाक बनाया, उस हर्ब के ऊपर, कि मैं तो झुका नहीं, मैं तो ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहा, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे, ठीक है, हवा चले, और उसने उसका मजाक बनाया कि तुम, मैं ऐसे के, मैं ऐसे खड़ा हूं और तुम झुक गए, ओके, और वो खूब हंसा। नेक्स्ट, वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक समय की बात है, स्टॉर्म मींस क्या होता है, आंधी, आंधी तूफान बोलते हैं ना जिसको, उसको बोलते हैं स्टॉर्म, ठीक है, आंधी, आंधी, एक समय की बात है, बहुत तेज जंगल में आंधी तूफान आया, ठीक है। The herb bowed low as usual. The teak did not want to bow. ठीक है, आंधी तूफान आया, ओके, आंधी आई बहुत तेज की, the herb bowed low. As usual, the teak did not want to bow. ठीक है, as usual, जैसे पहले की तरह herb जो था घास वो झुक गया, ठीक है, and but जो ये tree था घमंडी proud tree वो नहीं झुका, ठीक है, herb जैसे पहले झुक गया था, ठीक है, वो as usual इस टाइम भी झुक गया, जब बारिश आई, हवा चली, हर्ब तब भी झुका था, ठीक है, आंधी आई इस टाइम तब भी झुका, बट जो ये घमंडी पेड़ था प्राउड ट्री वो नहीं झुका। और द स्टॉर्म कीप्ड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जो वो आंधी था वो बहुत स्ट्रॉन्गर मीन्स होता है तेज, बहुत तेजी से चल रहा था, ठीक है, आ रहा था वो, ठीक है। द टिक कुड नो लॉन्गर बियर इट, ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग अवे, ठीक है, और वो जो घमंडी पेड़ था वो इस आंधी तूफान को नहीं सहन कर पाया, ठीक है, ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो अपना घमंड दिखाता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था वो उस आंधी के कारण, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत घमंड था कि मैं कभी गिरूंगा नहीं, बट जो वो आंधी आ रही थी आंधी तूफान के कारण, वो क्या हो रहा था, उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत कम हो रही थी। ही फेल डाउन, इट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, व्हेन एवरीथिंग वॉज कॉल्म द हर्ब stood straight, ठीक है, he fell down, और वो क्या हुआ, गिर गया, ठीक है, उस आंधी से पहले तो हवा आया, वो गिरा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत घमंडी था, then next क्या आया, आंधी storm, then वो क्या हुआ, पेड़ जो था, he fell down, वो गिर गया, this was the end of the proud tree, इस तरीके से क्या हो गया, end हो गया proud tree का, when everything was calm, the herb stood straight, ठीक है, He looked around, और जब ये सब खत्म हो गया, ये आंधी तूफान बारिश हवा, तो ठीक है, He looked around, उसने अपने आसपास देखा, हर्ब ने जो झुक गया था पहले से ही,
ठीक है, ही सॉ द ब्राउन ट्री हैड फॉलन, उसने क्या देखा कि जो पेड़ था वो गिर चुका है, ठीक है, क्योंकि वो झुका नहीं कभी, जब हवा आई जो ये हमारा हर्ब था वो झुका था, ठीक है, बारिश आई झुका था हमारा ये जो हर्ब था, ठीक है, एंड स्टॉर्म आया आंधी आई तब भी ये हर्ब झुका, बट जो हमारा ट्री था वो बहुत घमंडी था, प्राउड ट्री था, दैट्स व्हाई वो नहीं झुका, इसलिए वो क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज एरोगेंस इज हार्मफुल, अहंकार हानिकारक है। इट मीन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने ऊपर हमें घमंड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जो वो ये हर था, ठीक है, वो बहुत अच्छा था, काइंड था, ठीक है, और जो ये ट्री था वो कैसा था, बहुत प्राउड ट्री, बहुत घमंडी, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, तो उसका घमंड एक दिन क्या हो गया, चकनाचूर हो गया, दैट्स वाई वो क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, वो ओके। एंड जो हर्ब था वो ऑलवेज हमेशा झुका था, ठीक है, वो हराम नहीं था, वो घमंडी नहीं था, दैट्स वाई वो लास्ट तक भी क्या रहा, टिका रहा। ऑलराइट, तो हमें इस स्टोरी से, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एरोगेंस इज हार्मफुल, अहंकार क्या होता है हमारे लिए, ऑलवेज हानिकारक होता है, ठीक है, तो हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज योर सैटरडे एक्टिविटी, ओके। नाउ अब आपको स्टोरी को सुनना है, लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली, ठीक है, एंड मैम को एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने जिसमें आप मैम को बताएंगे कि वॉट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, जैसे मैम ने आपको बताया एज इट इज, ओके, एंड देन आपको ये कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी। ऑलराइट, थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर।